ड्रग्स अभियान के अंतर्गत मसूरपुर पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान ही आपको बताते चले कि शाहपुर इलाके में दो मादक पदार्थों की तस्कर करने वाले किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार। पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसपी सिटी सतपाल अगले प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि एसएसपी अभिषेक अग्रवाल के साथ ही यहां पर निर्देशानुसार ही जहां पर आपको बताते चले कि जिले में जीरो ड्रग्स मुक्त बनाना इसी के क्रम को लेकर लगातार जारी रखा गया है। थाना मसूरपुरा पुलिस ने शाहपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग के दौरान ही यहाँ पर एक्टिव सवार दो युवकों को रोकने का इशारा किया गया है। पुलिस टीम के एक्टिवा के चेकिंग के दौरान ही अवैध नशीली मादक पदार्थ बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम भी दर्ज किया गया है। आइए सुनते हैं पूरा बयान। प्राइम मेगा न्यूज़ चैनल के लिए मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की खातिर। ये करीब एक हफ्ते तक सीओ साहब ने और एसओ मंसूरपुर के द्वारा एक सूचना डेवलप की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनुज है, जो कि घासीपुरे का रहने वाला है, इसके द्वारा पहले भी मादक पदार्थों का सप्लाई की जाती थी और इस पर सूचना डेवलप करके कल इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास से काफ़ी बड़ी बरामदगी हुई है, जिसमें चरस, गांजा, भांग और 1,66,000 रुपये के आसपास एक एक्टिवा और 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। इसमें कुल मिला के ये 10 लाख रुपए के आसपास की पूरी बरामदगी है। और इन लोगों अनुज पे पहले भी इस प्रकार के एनडीपीएस के मुकदमे हैं और इस पूरी टीम ने काफ़ी लंबे टाइम से सूचना डेवलप करके ये एक गुड वर्क किया है, जिसके संबंध में एसएसपी मुजफ्फरनगर के द्वारा इनको 10,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है। और जो ये अपराधी हैं, इनके पिछले आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई कर 14-1 की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति की कुर्की भी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, पहले भी किसी मामले में जेल गए थे? हाँ, पहले भी जो ये अनुज है, घासीपुरा का रहने वाला है, ये पहले भी दो मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें एनडीपीएस में ये जेल गया था। ये लगातार इस प्रकार के काम करता रहा है, इसी वजह से इसके और मुकदमे निकाल के इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। 14-1 के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। पकड़े हुए माल की कीमत क्या है? देखिए, जो पूरा माल मिला है उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास। कोई इनाम? इनाम एसएसपी मुजफ्फरनगर के द्वारा इन पूरी टीम को 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस